वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? ये जो आज का हमारा डेली डोज है, जैसे कि आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी अगेन ज्योमेट्री के ऊपर है, एंड ये IUQM लेवल इसका मेरे हिसाब से पर्सनली 2 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। बट 2 मार्क्स में एक अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी मीट्स AC एट डी एंड दैट ऑफ एंगल सी मीट्स AB एट ई। दीज bisectors intersect at O and OD is equal to OE. If AD is not equal to E, prove that हमें angle A equal to 60 degree prove करना है. और in another sense हमें angle A find out करना है IUQM point of view से, ठीक है। तो देखो, पहले हम figure बनाते हैं इसकी, ठीक है। Let's say this is ABC triangle है, ठीक है। Question कह रहा था bisector of angle B, यानी ये वाला angle इसके equal है और ये meet कर रहे हैं कहाँ पर? AC at D, ठीक है। Bisector of angle C meets AB at E, so this point is E. Let O is the point of their intersection. हमें ये भी given है कि OD is equal to OE, and ये भी given है कि AD AE के equal नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमें figure में दिख भी रहा है, तो ये वाला angle B by 2, ये B by 2, this angle is C by 2, ये वाला angle भी C by 2, ठीक है। अब हमें prove करना है कि ये वाला जो angle होगा वो 60 डिग्री का होगा एंगल ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम AO ज्वाइन कर देते हैं। अब AO भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल A by 2, ये भी A by 2, ठीक है। और अब AD अगर AE के इक्वल नहीं है, जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो कोई एक चीज बड़ी होगी, जैसे हमारी फिगर में दिख रहा है। मान लेते हैं लेट AE इज ग्रेटर देन AD, तो मैंने इस पर एक पॉइंट ले लिया, कुछ भी, लेट से F एक पॉइंट ले लिया, तो ये एक मेरी कंस्ट्रक्शन है। मैंने F एक पॉइंट लिया है AE पर, such that AF is equal to AD. अब क्योंकि AE AD से बड़े, तो F point A और E के बीच में ही कहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने join कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं triangle FAO की बात करता हूँ और मैं triangle बात करता हूँ DAO की, क्या AF AD के equal है हमारी construction से? A by 2 के इक्वल है, क्योंकि AO भी एंगल बाइसेक्टर बनेगा, AO दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब OF OD के इक्वल हो गया, और OD OE के इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन ही था, तो दिस इंप्लाइज OF हमारा OE के भी इक्वल है। एक इन्फ्रेंस हमने ये निकाला। दूसरा, ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल में से समझ में आना चाहिए सबको। अब देखो, अब हम क्या क्या करते हैं। अब बड़ा सिंपल सा, ये वाला जो एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट, तो ये बी प्लस सी बाई टू के इक्वल होगा, कौन सा एंगल? एफ ई ओ, ठीक है। और क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ओ एफ और ओ ई बराबर है, तो दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल ओ OFE के भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं बोल सकता हूं, एंगल OFE प्लस एंगल AFO, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये लीनियर एंगल है, तो इनका सम 180 डिग्री आएगा, बड़ा सिंपल सा। AFO कह लो या ADO कह लो, एक ही बात है, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कॉम्पोनेंट ट्रायंगल्स है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल OFE प्लस एंगल ADO, ये 180 डिग्री होगा। अच्छा, एंगल ADO क्या, देखो OFE तो अभी हमने बताया, OFE कितना था? B प्लस C by 2 प्लस ADO, देखो ADO BDC का एक BDC का एक्सटीरियर एंगल है, दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट, तो ये C प्लस B by 2 के इक्वल बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180। अब यहां से देखो, ये बन जाता 3 by 2 टाइम्स B प्लस C, दैट इज 180, तो यहाँ से एंगल B प्लस C का वैल्यू आ जाएगा, वो 180 का 2/3, मतलब कि 120 डिग्री। अब B प्लस C अगर 120 डिग्री है, तो एंगल A कितना हो गया? 60 डिग्री। यही चीज अपने को प्रूव करनी थी, या मान लो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये बड़ा, मतलब IUQM 2 मार्क्स लेवल का ये क्वेश्चन है, एंड 2 मार्क्स में, बट ये हाँ, एक आसान क्वेश्चन नहीं काउंट होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ गुड क्वेश्चन। अब मान लो, मतलब ऑब्वियसली IUQM में प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो प्रूव दैट की जगह फाइंड एंगल A लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से वी कैन इजिली फाइंड दिस एंगल, एंड दैट विल बी 60 डिग्री, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो जैसे कि यार आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी काफी सारी कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लेकर आओ, तो ज्योमेट्री के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट डेली डोज में हमने 5 मार्क्स का एक इजी क्वेश्चन काउंट किया सॉल्व किया था, इस बार हमने एक 2 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। तो आपको अगर किसी और टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए या किसी स्पेसिफिक चैप्टर के किसी भी एक सब टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, ये आप कमेंट्स में लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे अपकमिंग डेली डोज में उन क्वेश्चन को लेकर आने की, राइट। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।